हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीटेट आपका जो मैं आपको ईवीएस के काफ़ी सारे प्रश्न काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं सीटेट ईवीएस से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जड़ों के प्रकार, है ना, टाइप ऑफ रूट्स, यानी टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे, यानी जड़ों के प्रकार के बारे में देखेंगे, जो कि आपके सीटेट 2022 अगर ईवीएस की यहाँ पर बात करता है तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप सभी के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में, यानी सामान्यतः जो जड़ें होती है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होती है कौन सी? मूसला जड़, ठीक है ना, मूसला जड़। एक होती है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ के बारे में और अपस्थानिक जड़ों के बारे में जान लेते हैं, नॉर्मल सी बात जान लेते हैं, बाकी आगे आपको इसके बारे में भी बताएंगे। मूसला जड़ उसे वो कहते हैं जो मूसला यानी मूल के आकार की होती है और ज़्यादा गहराई तक जाती हैं और लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है, ज़्यादा गहराई तक। बेसिकली मूसला जड़ जो होती है वो ज़्यादा गहराई तक जाती है और अपस्थानिक जड़ जो होती हैं वो पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच ही रह जाती हैं वो, ठीक है। 4 से 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है अपस्थानिक जड़ें नहीं जाती हैं। अपस्थानिक जड़ों को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं झखड़ा जड़, ठीक है ना, झखड़ा जड़, झगड़ा जड़ें, ठीक है ना। अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़ दो प्रकार की होती है। मूसला जड़ जो होती है वो लंबी होती है। मूसला जड़ में द्वितीयक और तृतीयक भी जड़ें होती हैं। जैसे मूसला जड़ कोई जड़ हो गई, जैसे ये मान लीजिए ये मूसला जड़ हो गई, है ना, ये मूसला जड़ हो गई, तो इसमें से मान लीजिए ये दो जड़ें निकली हैं, उनके बाद इन जड़ों से भी कुछ जड़ें निकलती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं। जो मेन जड़ से निकलती है एक जड़, वो द्वितीयक जड़ें होती हैं, और इन जड़ों से जो जड़ें निकलती हैं वो द्वितीयक जड़ें होती हैं, तृतीयक जड़ें होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मूसला जड़ें होती है, और जो हमारी झगड़ा जड़ें होती हैं वो बेसिकली ऊपर तक ही ऐसे 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 अपने आप में रह जाती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, और उसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जड़ों के प्रकार के, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है ना, अभी आपको बताया नहीं, ठीक है, हमने आपको क्या बताया है यहाँ पर कि जड़ों के प्रकार, एक तो मूसला जड़ बताइएगा, अपस्थानिक जड़ बताइए मैंने आपको, ठीक है। तो बेसिकली मूसला जड़ जो मैंने बताई है, मूसला जड़ जो आप सभी देख सकते हो, ये सभी क्या है, ये सभी मूसला जड़ के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि आपकी ये सब जो फल वगैरह होते हैं ना, ये सभी मूसला जड़। इसमें मूसला जड़ में आप सब बेसिकली यहाँ पर देख भी सकते हो, जो मूसला जड़ें होती हैं उनमें देख सकते हो ना, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं। देखिए ना, छोटी वाली जड़ें जो हैं वो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं, बाकी जो झगड़ा जड़ें होती हैं वो मतलब इसमें द्वितीय तृतीय नहीं निकलती, वो एक गांठ से ही तमाम जड़ें निकल आती हैं। झगड़ा जड़ें मतलब एक दूसरे में लिपटी हुई होती हैं, तो ये बेसिकली हमारी अपस्थानिक जड़ी कहलाती हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मूसला जड़ यानी टॉप रूट क्या होता है। तो मूसला जड़ वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर के एक मुख्य तथा प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट का निर्माण करता है। तो अब प्राइमरी रूट क्या होता है हमारा, जो ये आपको ब्लैक कलर की दिख रही ना, ये ब्लैक कलर की, ये क्या है, ये प्राइमरी रूट है, ठीक है। और सेकेंडरी रूट क्या है, तो सेकेंडरी रूट इसमें ये जो छोटी वाली द्वितीय और तृतीय जड़ें होती हैं, ये सेकेंडरी रूट्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी रूट का निर्माण करती है, यानी जो अन्य शाखाओं से मोटी होती है तथा अधिक गहराई तक जाती हैं, और इनमें कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे द्वितीयक जड़ें सेकेंडरी रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है, यानी द्वितीयक जड़ों से निकलने वाली शाखाओं को तृतीय जड़ भी कहा जाता है। इसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी होती हैं। बाकी इस प्रकार बनी प्राथमिक जड़ तथा इसकी शाखाओं को मूल तंत्र यानी टॉप रूट सिस्टम जो है वो कहते हैं, ठीक है। मूल रूप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऐसी द्विबीज पत्री पौधे होते हैं तथा भूमि में अधिक गहराई तक वृद्धि करते हैं और पौधों को मजबूत से खड़ा रखती हैं। इसमें आपका जैसे चना आ जाता है, मटर आ जाता है, गाजर आ जाती है, मूली आ जाती है, सरसों आ जाती है, आम, नीम इत्यादि, ये सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, ये हमारे मूसला जड़ें होती हैं, इनमें पाई जाती हैं। मूसला जड़ का एक और सबसे बढ़िया मैं आपको पहचानने की ट्रिक बता दूँ, देखिए जो द्विबीजपत्री होते हैं जिनमें दो दल होते हैं, ठीक है, यानी जैसे सरसों का बीज लेंगे आप, तो सरसों के बीज को थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी दो दल हो जाते हैं उसमें। चने में भी दो दल हो जाते हैं, आम में भी दो दल हो जाते हैं, नीम के फल में भी दो दल हो जाते हैं। आपने ये नहीं सुना होगा कि बाजरे में दो दल हुआ, आपने ये नहीं सुना होगा कि गेहूं में दो दल हुआ, आपने ये नहीं सुना होगा कि धान में दो दल हुआ, इन सभी में दो दल नहीं होते हैं, इस वजह से ये हमारी झगड़ा जड़ें होती हैं। बाकी जिनमें दो दल हो जाते हैं, ठीक है, द्विबीजपत्री होते हैं, वो हमारी जितनी भी होती हैं वो सारी के सारी हमारी क्या होती हैं, क्या होती हैं, टॉप रूट्स होती हैं, मूसला जड़ के अंतर्गत आती हैं। अब मूसला जड़ के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। मूसला जड़ के प्रकार में बेसिकली पहला आ जाता है तर्क रूप, है ना, जो हमारा तर्क रूप आता है। तर्क रूप में क्या होता है, इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं बीच से मोटी और किनारों पर पतली होती हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे बढ़िया उदाहरण इसका मूली, जो कि मैंने फ़ोटो भी लगा दी आपको, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए।
तो इस प्रकार की जड़ें बीच में मोटी होती तथा किनारों पर पतली होती है। इसका उदाहरण बेसिकली है हमारा मूली। उसके बाद हम बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कुंभी रूप, ठीक है ना। कुंभी रूप के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेपिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये जड़ें जो होते हैं सीड्स पर मोटी और फूली हुई होती हैं तथा नीचे की ओर पतली होती हैं, जैसे कि आपका इसमें शलजम आ जाता है, ठीक है ना, और चुकंदर आ जाता है। शलजम और चुकंदर ये दोनों इन सभी इन चीज़ों के अंदर कुंभी रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता है शंख रूप, ठीक है ना। शंख रूप क्या होता है, ठीक है, शंख तो आपको पता है ना, ऐसे बना होता है शंख, ओके, ऐसे। तो इन तरीके की जितनी होती हैं हमारे शंख रूप की, यानी कि बेसिकली होती है हमारी गाजर, है ना, गाजर हमारे शंखाकार होती है। यानी इस प्रकार की मूसला जड़ें जो होती हैं इनके आधार तो आधार की ओर मोटे तथा नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती हैं या होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपका गाजर आ जाता है, तो गाजर क्या होता है बेसिकली, आपको पता है ना गाजर कैसे होता है, ये यहाँ पर ये हमारा हो जाता है शंख रूप, ऐसे शंख रूप। शंख को अगर उल्टा कर दोगे तो ये गाजर ही हमारी, ठीक है, यहाँ पर हमारी पत्तियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो ये बेसिकली हो जाती है हमारी गाजर। फोर्थ नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो श्वसन वाली मूल जो होती हैं, या ठीक जैसे न्यूटिफोर जो होता है, न्यूमेटाफोर जो होता है, यानी राइजोफोरा, इसमें बेसिकली आ जाता है हमारा न्यूमेटाफोर रूट्स जो होते हैं हमारे श्वसन मूल जो होते हैं, यानी सुंदरी, इसमें आपको राइजोफोरा और सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं, हमें भूमिगत मुख्य जड़ों की विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं जिसे न्यूमेटाफोर कहते हैं, और ये खूंटी के आकार की होती हैं जो ऊपर वायु में निकल आती हैं, और इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोडस कहते हैं, ठीक है ना, न्यूमेथोडस कहते हैं। उसके बाद बेसिकली हमारा आता है अपस्थानिक जड़ के बारे में। अपस्थानिक जड़ बेसिकली होती क्या है, यानी कुछ पौधों में अंकुरण के कुछ समय बाद मूलांकुर की वृद्धि रुक जाती है और प्रांकुर के आधार या तने के निचली पर्वसंधियों के रेशे के रूप में जड़ें निकलती है। बेसिकली मैंने बताया ना, एक गांठ की तरीके से, गांठ की जगह से तमाम सारी जड़ें निकल आती हैं, या कह लीजिए उनको रेशे निकल आते हैं, रेशे विकसित हो जाते हैं, उन्हें अपस्थानिक या रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार की जड़ें जो होती है वो गुच्छा को अपस्थानिक जड़ तंत्र भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा गुच्छा होता है ना, जैसे मैंने बताया ना, गांठ होती है, गांठ से काफ़ी सारी जो हैं जड़ें निकल आती हैं, तो गुच्छे का रूप धारण कर लेती हैं, उसी को अपस्थानिक जड़ तंत्र कहते हैं। अपस्थानिक जड़ जो होती है मूलांकुर के वृद्धि एक जाने के कारण जड़ें शाखाओं, तनों के आधार या भागों तथा पत्तियों में निकलती हैं, और यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सभी क्या, ये अपस्थानिक जड़ होती है, इनमें कोई गहराइयों तक जड़ नहीं जाती है, ऊपर ही ऊपर रहती, 3 से 4 सेंटीमीटर तक जो है इनकी जड़ें जो है रहती हैं, ठीक है, और झगड़ा जड़ें होती हैं ये, ओके। इसमें भी मैंने आपको फोटो दिखा दी, जैसे ये बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये गन्ना हो गया, इन चारों के उदाहरण भी मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर एक चीज़ और आ जाता है मेरा यहाँ पर, कि मूसला तथा अपस्थानिक जड़ों में अंतर है ना, मूसला तथा अपस्थानिक जड़ों में अंतर आपको बताना। तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ क्या होती है, मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ जो है वो समाप्त नहीं होती है तथा क्रमशः पतली होती जाती है, लेकिन अपस्थानिक जड़ होती है उसमें जो प्राथमिक जड़ होती है वो तुरंत बाद समाप्त हो जाती है, उसके बाद प्ररोह के अंतिम भाग से अनेक रेशेदार जड़ें निकलती हैं। बाकी मूसला जड़ की बात करते हैं, यह भूमि के अधिक गहराई तक जाती है और यह बीज मूलांकुर से पैदा होता है, ठीक है ना, और ये जो हैं अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, ये ऊपरी सतह पर स्थित होती हैं और ये पौधे के प्रभु या वायवीय भाग से पैदा होते हैं। इनकी प्राथमिक जड़ में अनेक शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि मटर, चना, अरहर इत्यादि के जड़ें, और इनकी प्राथमिक जड़ें जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। इनमें आपका उदाहरण जैसे गेहूँ, जौ, धान, मक्का, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ों के प्रकार के बारे में मैंने देख लिया है, और इनसे लाभ क्या होते हैं, यानी अपस्थानिक जड़ों के लाभ क्या होते हैं, मूसला जड़ों के लाभ क्या होते हैं, इसके ऊपर स्पेशली मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, HiFiStudy94 सर्च करिएगा, ये सर्च करिएगा आप लोग, और आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके का स्लोगो मिल जाएगा। और अगर आप इस PDF को लेते हैं, और PDF लेने के बाद अगर आप डायरेक्टली इस लिंक पर क्लिक करते हैं ना, डायरेक्ट आपकी PDF के इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तुरंत ही आपको टेलीग्राम पर पहुँचा देगा, और वहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन करके PDF आराम से ले सकते हो, ठीक है ना। आई होप वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।